दोनों के बारे में बातें करते करते और सुनते सुनते आप भी बोर हो गए हैं ना, इसीलिए आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। आइए हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप कैसे पता करेंगे कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है? क्या कोई ऐसे साइन और सिम्टम्स हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर कोई कमी या गड़बड़ तो नहीं चल रही है? देखिए, इसे जानने का आसान तरीका क्या है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो शरीर में ब्लड सप्लाई होता है वो एक बीच में एक बड़ा ट्रंक जिसको एओर्टा बोलते हैं, जो कि ब्लड ले जाता है, और उसके बाद वो एओर्टा से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, आर्टरीज आर्टेरियोल्स निकल के हमारे पूरे ऑर्गन्स में सप्लाई करते हैं। जो लास्ट चीजें सप्लाई होती हैं वो है हमारी स्किन, हमारी चमड़ी, हमारे नेल्स, हमारे बाल। तो जब बीच से जो पाइपलाइन है वो इस एंड तक आते आते बहुत पतले और छोटे हो जाते हैं। तो जब भी कोई किसी चीज की कमी या कोई गड़बड़ या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए, तो हमारी स्किन पे, हमारे बालों पे और हमारे नाखूनों पे उसका असर पड़ता है, और वो किसी ना किसी साइन के रूप में शो करते हैं। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में बात की कि बाल खराब होने लगते हैं, बालों की क्वालिटी खराब होती है, टूटते हैं, झड़ते हैं, इसका मतलब है शरीर में कुछ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम है। इस पे एक वीडियो हम कर चुके हैं, आप चाहें तो वापस जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं हम अपने आज के वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी सेहत आपके हाथ। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपने अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को कंप्लेन करते सुना है, या आपने खुद महसूस किया है कि मेरे नाखून तो बड़े पतले हो गए हैं, बहुत जल्दी टूटते हैं, मैं उसको बढ़ा नहीं पाती हूँ अपने नेल्स को, ऐसा आपने सुना होगा? तो या तो ये इस कारण से होता है कि आप बहुत ज्यादा पानी में अपने हाथों को रखते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको बहुत देर तक पानी में अपने हाथ रखने पड़ते हैं, या फिर ये आयरन की कमी से भी होता है। और जब आयरन की कमी इतनी ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो नेल्स चम्मच की तरह, स्पून की तरह टिल्ट हो जाते हैं, जिसको स्पूनिंग कहा गया है टेक्निकल लैंग्वेज में। इसी तरह कुछ लोगों के नाखूनों पे हमें व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, इसका भी इंडिकेशन है कि ये किसी विटामिन की या मिनरल की कमी हो गई है, खास करके जिंक या कैल्शियम की कमी के कारण ऐसा होता है। ये अधिकतर हमने देखा है कि ग्रोइंग एज में जो बच्चे हैं उनके हाथों में, स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके नेल्स में हमें ऐसे वाइट स्पॉट्स अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आप समझ जाइए कि आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है या फिर एक अच्छी विटामिन मिनरल रिच डाइट लेने की जरूरत है। अच्छा, कभी आपने देखा होगा कि जैसे नॉर्मल जो टेक्सचर और कलर है हमारे नाखूनों का, सबको पता है, हल्का सा पिंकिश है और थोड़ा सा फर्म टेक्सचर होता है, लेकिन अगर वाइटिश हो जाते हैं नाखून, तो इसका भी मतलब है कि या तो आयरन की कमी है या फिर प्रोटीन्स की कमी के कारण भी नाखून सफेद हो जाते हैं, जो कि अक्सर लिवर की गड़बड़ी, लिवर सिरोसिस में देखा गया है। अच्छा, कभी कभी ये रेयर है, बट कुछ लोगों के नाखून प्रिंटेड दिख सकते हैं, प्रिंटेड जो कि ब्राउन या ब्लैक कलर या डार्क कलर से, जिसमें स्पॉट्स होंगे या लाइंस होंगे या कोई भी डिस्कलरेशन होगा इसका, इस तरह का। तो ये किस कंडीशन में दिखेंगे? जब कोई दवाइयां जैसे कि क्लोरोक्वीन या कोई एंटीबायोटिक जैसे माइनोसाइक्लिन जैसा एंटीबायोटिक लिया जा रहा हो, जो कि आपके नाखूनों को कलरफुल कर देता है, और या फिर ये स्किन कैंसर का भी इंडिकेशन हो सकता है। देखिए, ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ इंडिकेटिव जो चीजें हैं, वो जरूरी नहीं है कि अगर ऐसा कुछ है आपके नेल्स में तो आपको वही चीज हो, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसलिए इसकी शंका हो सकती है। आप आसपास अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, या अगर किसी डेफिशिएंसी के कारण है तो वो सप्लीमेंट। अच्छा, आपने अपने किसी दोस्त के इस तरह के नाखून देखे हैं क्या कभी? इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसे अपने नाखून चबाने की आदत है।
जिसको नर्वस टिक्स कहा जाता है। जब वो नर्वस होता है तो अपने नेल्स बाइट करने लगता है और साथ साथ आसपास की स्किन भी खा डालता है। तो इसमें आदत छुड़वाने वाली बात है, इसमें आपको उसको हेल्प करनी पड़ेगी। जब कोई किसी अचानक से हुई गंभीर बीमारी से जूझता है और कई समय तक उसको कमजोरी जब रही हो, तो अक्सर देखा जाता है कि बाल झड़ने लगते हैं और नाखूनों पे एक ऐसी आड़ी ट्रांसवर्स लाइंस देखने को मिल सकती है, जिसको ब्यूज लाइन बोला गया है। लेकिन कुछ घबराने की बात नहीं है, ये अपने आप 3 से 6 महीने में ठीक हो जाता है, जैसे जैसे हमारे अंदर सारी कमियां पूरी होती हैं, जैसे जैसे हम रिकवर होते हैं। एक चीज होती है जिसको क्लबिंग बोलते हैं। जब आप अपने नाखूनों को इस तरह पास लाएंगे तो नेल बेड के बीच में आप देखेंगे डायमंड शेप का छोटा गैप दिखता है इधर, लेकिन ये गैप डिसअपियर हो जाता है जब किसी को लंबे समय की कोई फेफड़ों की या दिल की बीमारी हो जाती है, इसको क्लबिंग बोलते हैं। इसी तरह नाखूनों में कभी कभी देखा है किसी के छोटे छोटे गड्ढे गड्ढे से होते हैं, और अगर साथ में उसके शरीर में स्किन में भी कुछ ऐसे पैच हो या कोई ऐसे एक्जिमा टाइप के रैशेज हो, तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है उसको सोरियासिस डेवलप हो रहा हो, तो उसको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इसी के साथ एक कंडीशन होती है हाफ एंड हाफ नेल्स, इसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि आधे नाखून, जो पीछे का नाखून है, बाहरी नाखून है, वो डार्क कलर का ब्राउन या रेड कलर का होगा, जबकि जो ऊपर का हिस्सा है आधा, वो वाइटिश या पिंकिश रहेगा। तो ये कब होता है, जब लंबे समय से गुर्दे खराब हो रहे हैं, किडनी पे असर हो रहा हो किसी कारण से, तो आप समझ जाइए कि अगर हाफ एंड हाफ नेल्स हो रहे हैं किसी के, तो उसको किडनी के एग्जामिनेशन की जरूरत है। अगर नाखून मोटा हो गया है और गंदा सा दिख रहा है, कुछ डिस्कलर्ड दिख रहा है और टूट भी रहा है, तो इसका मतलब है कि फंगल इन्फेक्शन है, जो कि जब चमड़ी में होता है जैसे दाग बोलते हैं, तो नाखून का जो फंगल इन्फेक्शन है शायद वो हो गया है नाखूनों में, जिसको इलाज की जरूरत है। इसी तरह जो लोग आर्टिफिशियल नेल्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो उसको चिपकाने का जो ग्लू आता है, तो उसके कारण से भी देखिए इस तरीके से जो स्क्रीन पे दिखाया है, ऐसे लैमिनर डिस्ट्रॉफी जिसको बोलते हैं, वो हो सकती है। ऐसी चीज़ें, इस तरह के नाखून जो मेड्स हैं या कुक हैं या बेकरी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों में भी दिखाई देते हैं, तो इसके लिए भी फिर कुछ उपाय की ज़रूरत है, वो नाखूनों को आर्टिफिशियल नेल्स कम थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अगर नाखून के आसपास स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, सूजन जैसा कुछ रह रहा है, बहुत समय से ठीक नहीं हो रहा है, तो पस भी आ रहा है, तो किसी तरह का इन्फेक्शन है ये, और ये हो सकता है कोई आपके अंदर बीमारी जैसे कि डायबिटीज या ऐसी कुछ बीमारी पनप रही हो जिस कारण ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा हो, तो इसको भी दिखाने की, इलाज करने की, प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे, अपने नाखूनों को आज ही आप एग्जामिन करिए कि इनमें से कोई चीज़ आपको तो नहीं है, और उसका तुरंत ही कोई सोल्यूशन निकाल लीजिए, और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।